सुना नहीं तुमने, पापा ने हमें क्या कहा? उन्होंने हमें खुद गर्ज कहा। कल तक जो गुड्डन दुनिया की सबसे अच्छी बेटी थी, आज वो खुद गर्ज हो गई है। कितनी तकलीफ हुई होगी पापा को ये कहते हुए, कितना दुख दिया होगा अपने पापा को जो ये कहने पे वो मजबूर हुए। नहीं बेटे, अब और नहीं, मम्मी पापा और तुम्हारी जिंदगी हम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तुम अबीर को तड़पते हुए देख पाओगी? उसके बारे में सोचे बिना एक पल भी रह पाओगी? क्या उस ओमी के साथ खुश रह पाओगी? नहीं, हम खुश नहीं रहेंगे, पर हम इतने भी सेल्फिश नहीं है कि अपने प्यार के लिए अपने पूरे खानदान को बर्बाद कर दे। बाकी हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें से कोई एतराज नहीं। किसी बेवकूफ बना रही हो तुम? वो अभी जो अपने प्यार के खातिर अपना घर छोड़ आया, और जब उसे पता लगेगा जिसके लिए उसने ऐसा किया है वही उसे धोखा दे रही है, ऐसा लगेगा उसे। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे बिट्टू, किसी को नहीं, बस इस समाज के दायरे में रहकर हमने ये फैसला किया है जिससे दोनों परिवार बर्बाद होने से बच जाए। और तुम्हारी खुशी होगा क्या? और अबीर की खुशियाँ हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते दीदी। हमारी मानो, दोनों भाग जाओ। हाँ तुम दोनों भाग जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पागल हो गए हो तुम? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। पहले कितना दुख दे चुके हैं सबको। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं, जो भी हमारी किस्मत का फैसला होगा हमें मंजूर है। अरे खुशी के मारे तो आज टॉले सोले भी ज्यादा ही फूल रहे हैं, क्या बात है भैया? अरे क्या कहे बचुआ, अरे बात ही इतना खुशी का है कि सारे मोहल्ले में जो हम है ना, मिठाई बांटेंगे। अरे किसना, तू देखना बेटा, एक बात कहें तुमसे बचुआ, अरे अब तो तुम्हारा पांचों का पांचों उंगली घी में होगा बे। अरे इस मोहल्ले से गुजरोगे ना तो सब तुम्हें सल्यूट मारेंगे। कहा है ना कि अब माथुर साहब के तुम खास हो, खास हो गए। अरे उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होगा यहाँ। क्या कह रहे हैं भैया, विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे ससुरा किसी को भी नहीं होगा। चल जा 10 किलो देसी घी के लड्डू लेकर आ, और ऐसे लड्डू लेकर आना बे कि हाथ में देसी घी टपके। अरे ससुरा हमारा रिश्ता तय हो गया बे। बस 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 बस, अभी डांस करने का समय नहीं है बचुआ, आएगा समय भी आएगा, बारात आने में अभी टाइम है। चल जा तुम मिठाई लेकर आओ। लाते हैं भैया, सारा मोहल्ले में बांटना है। ए विदेश। हाँ भैया। तुम बचुआ हमार पिताजी को फोन ले। अंजी। और उन्हें हमारा प्रणाम भी देना और ये शुभ समाचार भी देना। उनसे कहना कि उनके घर पर बहू आने वाली है, वो भी ऐसी बहू, एक क्लास बहू। ए रिक्शा वाले सुने के नहीं,
हम लहर जी के साथ शादी करने वाले हैं। हमार बाबूजी के यहाँ बहू आने वाली है जो अंग्रेजी में किटर पिटर करेगी। पापा 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 बस 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 बैंड बाजा तो अब धूमधाम से बचेगा। जा बे बिल्लू, बैंड बाजा वाला भी बुक करा ले। अरे हमारा शादी हो रहा है बे, अब माथुर परिवार के जमाई राजा बनने वाले लहर जी के हस्बैंड। सुने के नहीं, लहर जी के हस्बैंड। ए चाचा चाची, अरे हमार शादी में आइएगा। कहा है ना कि हमें आप सब लोगों का आशीर्वाद का बहुत जरूरत है। अरे सुने के नहीं, हमारा शादी पक्का हुआ है लहर जी। अरे दीपा जी, कैसी हैं आप? अरे आप सुने कि नहीं, आपकी सहेली लहर जी के साथ हमारा रिश्ता तय हुआ। अरे आपकी माता जी, नमस्कार माता जी। ये मिठाई उस खुशी में सारे मोहल्ले को बांट रहे हैं ना हम। अरे लीजिए ना, हमें बहुत खुशी होगा। अरे हमार शादी में आइएगा जरूर। आप बड़े लोगों का आशीर्वाद तो दूल्हा दुल्हन को चाहिए ही ना। नमस्कार। हम कहाँ जा रहे हैं? हे बिटिया, वाजपेयी जी के घर जा रहे हैं। ये खुशखबरी उन्हें भी तो सुना दें। जाने दो ना अम्मा, घर चलते हैं। जाएंगे, मेरी बच्ची वहाँ भी जाएंगे। अब दादी को भी तो खुशखबरी दे दें, बेचारी बड़ी दुखी, खुश हो जाएंगे। ज्यादा सोचा मत कर, चल। अरे लीजिए आप मिठाई, लीजिए आप भी लीजिए। आप वो कुत्ते हैं आज की डेट में जो ना घर का और ना घाट का। बहुत बोल रहा था।